खरगोन जिले के सनावद में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ सामान्य ज्ञान और खेलों के प्रति जागरूक करना अति आवश्यक हो चुका है, जिसको लेकर कई क्षेत्रों की निजी स्कूल में बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ उनके टैलेंट अनुसार गतिविधियां आयोजित की जाती है, जहां बच्चों के टैलेंट देखने का सौभाग्य उनके अभिभावकों को भी मिलता है। खरगोन जिले के सनावद में दृष्टि पब्लिक स्कूल सनावद के होनहार विद्यार्थियों ने भारत कल आज और कल विषय पर विशाल वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी का शुभारम्भ संस्था के डायरेक्टर सुनील कुमार जैन और श्रीमती नीतू जैन ने फीता काट कर किया। सरस्वती पूजन एवं आर्य का रत्न 105 श्री पूर्णमती माता जी के वंदन के पश्चात कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। कार्यक्रम के प्रारंभ में फिट इंडिया विषय पर लोक संस्कृति के रंग उकेरे गए। इसके पश्चात सर्जिकल स्ट्राइक का मंचन किया गया। आगे प्रदर्शनी में नन्हे बच्चों द्वारा तैयार आर्ट एंड क्राफ्ट, कविता, कहानियां, सामान्य ज्ञान, सामाजिक एकता जैसे विषयों का मनमोहक प्रदर्शन अपनी कलाओं के माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पालकों द्वारा मुक्त कंठ से कार्यक्रम की सराहना की गई। इस अवसर पर पूरा DPS परिवार मौजूद रहा। सनावद से प्रभु दोगिया की रिपोर्ट। क्या नाम है? इशिका जोशी, गोरांग जोशी। क्या आयोजन था आज स्कूल? एग्जीबिशन। क्या आपके बच्चे भी भाग लिया था कुछ कार्यक्रम? यस। yes. क्या बनाया था उन्होंने? KBC। अच्छा, तो कैसा लगा ये स्कूल का जो मैनेजमेंट था आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। yes. कब से पढ़ रहे हैं बच्चे आपके यहाँ? बेटा तो मेरा नर्सरी से पढ़ रहा है और ये फोर्थ क्लास से इशिका। अच्छा, ये मतलब यहाँ पे जो आयोजन होते हैं आप हमेशा शामिल होते हैं? यस। बढ़िया चलता है स्कूल की पढ़ाई वगैरह कैसी क्या है? यस, अच्छा चलता है। बढ़िया पढ़िए। आज क्या कार्यक्रम हुआ DPS स्कूल? आज यहाँ पर जो है एक एग्जीबिशन, ग्रैंड एग्जीबिशन लगाया गया है जो इस थीम पर है कि भारत कल आज और कल। इस कंसेप्ट को लेकर के हमारे स्टूडेंट्स ने और एक हमारे टीचर्स ने मिल करके ये बहुत ही शानदार आयोजन किया है और तरह तरह के इसमें चार्ट्स, मॉडल्स और इनके अलावा भी एक कंसेप्ट लेकर के चले हैं कि फिट इंडिया के बारे में बता रहे हैं, जिसमें हमें फिट कैसे रह सकते हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक है, छोटे बच्चों ने जंगल बुक स्टोरी इस तरह से और फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट किया है इस तरह की झांकी बनाई है और काफ़ी बहुत मेहनत है इनकी आर्ट एंड क्राफ्ट। मैडम, आपके यहाँ अभी ये देखा गया कि रंगोली बहुत बड़े स्तर पर बनाई गई थी स्वच्छ भारत को लेकर, उसका क्या मकसद है? स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और श्रेष्ठ भारत इस कंसेप्ट को लेकर के बनाया है, जिसमें रंगोली में सबसे पहले ये चीज़ को बताया है कि आपके जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम उनको कैसे ठीक रख सकते हैं, और अगर हम फिट हैं तो हम अपने परिवार को भी फिट रख सकते हैं और श्रेष्ठ भारत में जो भी सारी हमारी जो भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, उसको उसमें मेंशन किया है। ये हर साल होता है? ये प्रोग्राम अल्टरनेट होते हैं तो इस तरह से हमें कई बार, ये तो विगत 20 वर्षों से ये स्कूल चल रहा है और कई बार ये एग्जीबिशन लगा चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।